दिन रात मतलब आज डोसा ही खाए होगे हैं क्यों? हाँ, दोपहर में डोसा खाए होगे? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो होली की अगली सुबह घर में इडली और डोसे की तैयारी चल रही है। तो साउथ इंडियन फूड का मजा लिया जाएगा आज, है ना मैडम? मेहनत बहुत है, इधर देख के बोल दो, हाय बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, नमस्कार बोल दो, नमस्कार, सत श्री अकाल बोल दो। डर था कहीं हार्ड ना हो, बट सॉफ्ट है। चटनी बढ़िया है, स्पाइसी है, बढ़िया है। तो जैसा चटनी हम चाहते थे वैसे चटनी मैडम ने आज बनाया है, दिल जीत लिया है। वाह, तो आज भजन सुना जा रहा है। अक्सर भजन हमारे घर में चलता है, पर आज थोड़ा लेट हो गया सुनने में, और ब्लॉगिंग भी मैंने थोड़ी लेट स्टार्ट की, उठने में लेट हो गया। पता है क्या बनाया है? डोसा, इडली, इडली, हमारे लिए डोसा, इडली, डोसा, इडली, डोसा, इडली, डोसा, इडली, डोसा, इडली, डोसा, इडली। इडली आ चुका है, जलने तो लाइट यार, ईद दिखाओ, इडली, इडली आ चुका है हमारे लिए, और बच्चों के लिए स्पेशल डोसा बन रहा है। अरे एक बार ऐसे करो, डोसा मत खिलाओ ना, ई करो, ये देखो, पापा तो मेरे किसी पन्ने क्योंकि मैं खाता हूँ, खुरपा है आपका भी है, देखो डोसा का मजा है। से इडली डोसा बना के खिलाने में लगी हुई है, अभी तक टेस्ट भी नहीं किया, टेस्ट कर लियो, टेस्ट तो कर लो कैसा है। डोसा का मसाला है, बोलते आलू पराठा यार, पराठे अंदर आलू, आलू पराठा नहीं खाएगा, पराठा के अंदर आलू डाल के खाएगा। क्या किया भैया? क्यों भैया तो मस्ती में कहीं मार दोगे? से सॉरी, से सॉरी, से सॉरी। तो गर्मी बढ़ती जा रही है, आए हैं एसी लेने के लिए। मौसम गाइस आपको मालूम ही है कैसा हो रहा है, धीरे धीरे अभी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो बिना एसी के तो रहा नहीं जाएगा। ये हिटाची का इन्वर्टर एसी हमने फाइनल किया है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। तो गाइस निकल लिए हैं अब ऑफिस से, प्लानिंग है घर के लिए, थोड़ा फ्रूट्स लेके जाना है, फ्रूट्स में से अनार खाना पड़ा है, बच्चों को ग्रेप्स बहुत पसंद है। चलिए दे दो यार, 1 किलो दे दो। But if I stop moving, then I'll have to face myself. अरे वाह, खोला कैसा है मेरा बिट्टू? चलो छोड़ दो, बाद में मंग कर देना, ऊपर से लगा दो। ये ले जाओ, ये आप एप्पल ले जाओ और ग्रेप्स ले जाओ, ब्लैक वाला आ ही नहीं रहा ना। कहा मम्मा कहाँ है, क्या हो गया मम्मा को? तो
दिन रात मतलब आज डोसा ही खाए होगे हैं क्या? दोपहर में डोसा खाए होगे? दोपहर में नहीं खाए, सुबह 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 तो मुझे मालूम है मम्मा डोसा खिलाई थी। ए कहानी कहानी नहीं सुनाना, ये बताओ मम्मा के सर में दर्द हो रहा था, आप लोग तेल मालिश नहीं किए थे? मैं तो सर दबा रहा था। दबाने से हो जाता है ठीक क्या? हैं? हाँ? दबाने से ठीक हो जाता है? जैसे देखो पापा तेल लगा, अभी देखो पापा तेल लगाए हैं तो ऐसे ऐसे तेल लगा के आप मालिश नहीं कर सकते थे ऐसे धीरे धीरे? करना चाहिए ना आपको, आप भी नहीं किए। आप इसका कवर कहाँ गया? कवर कहाँ गया इसका? हटा इसको, हटाओ हटाओ। कौन सा तेल? नवरंतन नहीं, नवरत्न। नवरत्न तेल नहीं लगाते ना आजकल, हम लोग बंद कर दिया ना, अब ये लगाते हैं ना। अच्छा मम्मा के पास टाइम है ना, आपको दिन रात इडली डोसा बना खिला रही है और आपके पास मम्मा को थोड़ा सा मालिश करने के लिए टाइम मिलता है। सुबह पूछो क्या किया, सुबह हम उठे। बस आप लोग चुप रहो, अब आप लोगों को कुछ नहीं होगा। चलो सो जाओ, गुड नाइट। सो गाइस अब गर्मी हो गई है तेज, आज हमने जैसे अपने घर में ससुर जी के घर में एसी लगवाया, वहाँ भी यही हालत था कि इतना बुरा हालत था कि गर्मी की वजह से रह नहीं जा रहा था, खासकर दिन का समय जब गर्मी होती थी। हमारे घर में वही हालत, सब एसी रूम में घुसे हुए हैं। करेंगे वीडियो की एडिटिंग, उसके बाद हम भी एसी रूम में। बाकी होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में आपका सपोर्ट चाहिए, आप शेयर कर सकते हैं, कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।